गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम देवास एमपी। वेलकम बैक टू माय चैनल टूरिंग लैब। तो कैसे आप सब लोग? भारी अपन भी लाइव भारी। अभी पैकिंग वगैरह सब मेरा हो गया, बस राइडिंग गियर्स वगैरह सब बाहर है, चार्ज वगैरह हो रहा है सब। बाकी कैसा है ना, अभी सुबह के 9 बज रहे और अब तक मैं निकला नहीं हूँ। आप लोग बोले क्यों 9 बजे तक निकले नहीं? जैसे मैं सुबह 6 बजे राइड स्टार्ट करता हूँ, पर आज जो है हमको और एक राइडर मिलने वाले, ये राइड को ज्वाइन करने वाले, तो वो हमको मिलने वाले गुना। और गुना उनके यहाँ से है 400 किलोमीटर और मेरे यहाँ से 235 किलोमीटर। तो मैं तो अगर आराम से निकलूँगा तो भी हम सेम टाइम पे मिल जाएंगे। अभी उनका 100 किलोमीटर हो गया, फ़ोन पे मेरा बात हो गया, 300 किलोमीटर बाकी है। तो जैसा उनका 50 हो जाता है वैसा मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, तो हम मिल जाएंगे। बाकी अब क्या है ना, ये वाले राइड पे मैं लैपटॉप कैरी कर रहा हूँ। इसके पहला जो भी राइड पे मैं व्लॉग एडिट कर रहा था वो मेरे फ़ोन से कर रहा था, पावर डायरेक्टर जो ऐप है उससे। अब से मैं लैपटॉप पे कर रहा हूँ। क्या है ना, लाइफ में अपडेट करना बहुत ज़रूरी है बॉस। एक ही जगह पे रुके रहेंगे तो चलेगा नहीं। तो अभी लैपटॉप तो लेकर आया हूँ पर दिक्कत हो रहा है। ये है मेरा सैडल बैग राइनॉक्स का। इसमें अभी दिक्कत देखो क्या है, मेरा लैपटॉप जो है वो है 13 इंच का और ये जो बैग है ये साइज़ से बड़ा है, ये साइज से छोटा है। तो लैपटॉप जो है ना, ये देखो ऐसा बाहर निकल रहा है यहाँ तक। तो क्या है, राइड करने के टाइम पे गड्ढे वगैरह आते हैं, वो टाइम पे अगर झटका लगा तो मुझे भी फटका लग जाएगा। तो ये मेरे लिए अभी तो सही नहीं है, पर नेपाल राइड पे ये वाला सैडल बैग में अभी यूज़ करने वाला हूँ। पर इसके बाद जो भी राइड रहेगा ना, उसके पहला मैं ये सैडल बैग को सेल करने वाला हूँ और नया टेल बैग वगैरह राइनोक्स का कोई अच्छा ले लूँगा। चलो तो अभी रेडी हो जाता हूँ, फटफट निकलते, मिलते हैं रोड पे फुल पावर में। तो अभी 11 बजे अपनी राइड की शुरुआत हो रही है, देवास से अभी निकल रहा हूँ मैं गुना के लिए। गुना में मिलेंगे, आपको पता है एक राइडर आने वाले कौन है, वो आपको कुछ ही टाइम में पता चल जाएगा। चलो तो करते हैं राइड की शुरुआत। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, साई राम बाबा। अभी यहाँ से लेफ्ट लेके मुझे सीधा सीधा ही निकलना है, 3-4 किलोमीटर पे है ना, मुझे बाईपास मिलेगा, बाईपास मार के सीधा सीधा गुना। गुना यहाँ से 240 किलोमीटर है। अभी जो राइडर आने वाले उनका 150 किलोमीटर हो गया, अपना 240 है, अभी यहाँ से उनका है 250। तो सेम टाइम पे हम पहुँच सकते हैं। वैसा हम शाम का 4 बजे का टाइम पकड़ के चल रहे हैं कि हमारा वो टाइम पे मीटअप हो सकता है, पर देखेंगे। क्योंकि कैसा है ना, उनको 400 किलोमीटर का राइड करना था सुबह से और मुझे 250 करना है, तो उनको आगे जाना चाहिए ऐसा लग रहा है और चला सकते हैं। अगर जल्दी आए तो ठीक है, जाएंगे, नहीं तो फिर उधर किधर तो आसपास गुना में देख लेंगे होटल और रुक जाएंगे। खाई करना नहीं है, आराम से जाएंगे। एक दिन लेट हो गया तो भी चलेगा। 40 किलोमीटर हो गया, 200 किलोमीटर भी बाकी है गुना के लिए। NH 52 सीमेंट रोड। कल रात में नींद अच्छा हो गया ना, इसके लिए आज एकदम फ्रेश लग रहा है। राइड के टाइम पे यही है, नींद पूरा हो गया ना अच्छा, तो फिर राइड करने के लिए सेकेंड डे पे भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लगातार 15-20 दिन के लिए राइड पे निकल रहे हो और नींद आपका हर दिन इतना अच्छे से पूरा नहीं हो रहा है ना, तो कुछ दिन बाद क्या होता है ना, थकावट हो जाता है, पूरा बॉडी थक सा जाता है, तो फिर मज़ा नहीं आता राइड करने के लिए। क्या बात है, ट्रक वाले ने बहुत बढ़िया लिखा, दो दीवाने चले कमाने। 1:15 कम है, देवास से लेके अब तक 100 किलोमीटर मेरे हो चुके पूरे। सुबह से लेके मैंने कुछ भी खाया नहीं है, बस सुबह चाय पिया था जब होटल में था। अभी आगे की तरफ तो होटल देख के रुक जाता हूँ, लंच का ही टाइम हो गया तो लंच ही कर लेता हूँ अभी। तो ये होटल दिख गया, इसके लिए रुक गया। वो यहाँ पे ऐसा देख के लग नहीं रहा कि लंच मिलेगा। ये अपना वगैरह को यहाँ पे मस्त छाँव में पार्किंग दे दिया, यहाँ पे अपन बैठेगा मस्त। सर जी लंच में क्या है, लंच में कुछ है, लंच में खाने में आना चाहिए। हाँ है, हाँ भोजन नहीं मिलता, फिर क्या मिलेगा? नाश्ता है ना, समोसा कचोरी है, पोहा है। ठीक है, 2 समोसे देना। दो समोसे। गाड़ी कितने की बैठी है? हाँ बाइक प्राइस क्या है इसकी? ये स्कूटर है, बाइक नहीं है। 1,60,000 का। अच्छा 1,60,000। हाँ तो आपकी काहे में क्या करते हो आप? मैं यूट्यूबर हूँ। यूट्यूबर? हाँ राइडर हूँ। अच्छा यूट्यूब पे वीडियो बना दो। हाँ 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 अभी ये वीडियो ही बन रहा है आपका भी। अच्छा हाँ अभी आप भी आने वाले हो, चमकने वाले हो फुल। यहाँ पे अपने वीडियो देखे जा रहे हैं जो कि वाई वाले हैं ना, वो सब्सक्राइबर
हमारे हो चुके हैं, फैमिली बढ़ती जा रही है, 48 के सब्सक्राइबर कल ही रात को हो गए। अभी एक है ना बैग के ऊपर मेरा ध्यान गया, ये लापरवाही बोल सकते हैं मेरी, बहुत ध्यान देना पड़ता है राइड के टाइम पे, बहुत छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। मैं बैग ओपन कर रहा था वो टाइम पे देखा ये साइड का स्टेप तो इधर है पर ये साइड वाला नहीं था, तो मैं नीचे से देखा तो खींचने का तो निकल नहीं रहा था, फिर ये देखो पास जाके ऐसा देखा, ये देखो क्या हो गया, ये साइलेंसर के यहाँ पे था और हीट होके देखो क्या हो गया इसका हाल, ये पूरा पिघल गया है अभी। तो बहुत ध्यान देना पड़ता है राइड के टाइम पे, अभी देखो वो ख़राब हो गया, क्या करें, कचोरे आ गया ये, उनको पहले कहा हुआ टीका मत डालना, बढ़िया है वहाँ पैच वगैरह वाला। अभी हो गया जी खा के, समोसा भी खा लिया, यहाँ से अभी 140 है गुना और अपने जो राइडर मित्र है उनके यहाँ से 160 है, तो वही 19-20 का हमारा फ़र्क है, ये 165 निकल पड़ा हूँ जी फिर से, अभी पेट में कुछ गया तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। गुना यहाँ से है 143, ओ 143 लव यू, वाओ भैया फुल कर देना, फुल कर देना, इधर इधर ये देखो अपना तो हो गया पेट फुल, अभी अपने बगीरा का भी पेट फुल कर देते हैं, तो आराम से करो, बाहर मत आने देना उसके पास। हाँ ये पर्स की भी एक स्टोरी है आपको बताऊंगा मैं, आगे जो आप रुकूंगा ना वहाँ पे बताऊंगा। शिवपुरी मेरे यहाँ से 197 किलोमीटर है। अभी दोपहर के भाइयों देखो 3 बज रहे, अभी क्या हो गया ना मैं जहाँ पे अभी रुका था कुछ खाने के लिए वहाँ पे मैंने एक जो लोकल थे उनको पूछा था कि गुना के यहाँ से आगे अगर जाएंगे तो किधर कुछ है अच्छा जगह रुकने के लिए, तो मैंने उनको ऐसे पूछा, उन्होंने शिवपुरी बोला था। तो अभी जो अपने राइडर मित्र है वो और मैं हम लोग फ़ोन पे बात कर रहे थे, तो उनको मैंने यही कहा आप अगर गुना जल्दी आते हो 4-5 बजे तक अगर आगे निकलना है तो हम शिवपुरी जा सकते हैं, वहाँ पे होटल वगैरह अच्छे हैं। तो हम लोग ऐसा बात ही कर रहे हैं इंटरकॉम पे और उतने में उन्होंने कहा कि अरे यार मेरे यहाँ से शिवपुरी का बोल लगा, शिवपुरी यहाँ से कुछ 114 किलोमीटर, 114 किलोमीटर। तो मैं बोला एक काम करो गुना के अगर हम जाएंगे तो 200 किलोमीटर मेरे यहाँ से दिखा रहा था, फिर उनको बोला आप वहीं से निकल जाओ शिवपुरी के लिए, मैं आपको सीधा मिलता हूँ शिवपुरी में। अभी बज रहे 3, 4, 5, 6, 7, पकड़ लो 7 बजे के पहले मैं आराम से शिवपुरी में पहुँच जाऊँगा। NH 46 बहुत ही बढ़िया यार हाईवे यार, ये वाले राइड पे ना रोड हमको बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। अभी यूपी साइड पे जाएंगे ना उधर भी रोड अच्छे मिलेंगे, तो रोड पे ना गाय वगैरह ऐसे बहुत बीच में आते हैं। ये एमपी में मैंने लास्ट टाइम में स्पीति से आ रहा था ना वो टाइम पे भी मेरे साथ हो गया ऐसा कि मैं टोकते टोकते बच गया हूँ, तो थोड़ा ध्यान रखना अगर ये वाले रूट से मतलब राइड कर रहे हो तो। ये देख लो ये ऐसा होता है, पिछले 10-15 किलोमीटर से ये ऐसा ही रोड है, एकदम खराब ऐसे ऐसे गड्ढे हैं क्या बताऊँ, यहाँ पे रोड का काम चालू है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं भाइयों क्योंकि 284 किलोमीटर मैंने आज सुबह से लेके चला है, उसमें जो 184 किलोमीटर है ना वो मैंने अभी चला है, अभी मतलब जो मैं खाने के लिए रुका था ना वहाँ से लेके अब तक, तो ब्रेक लेना बनता है। अभी 15 मिनट का तो ब्रेक ले लूँगा चिप्स ले अभी खाने के लिए, कूलेंट भी चेक करना है मुझे क्योंकि मुझे सर्विस सेंटर में कहा गया था कि 600-700 किलोमीटर जैसा हो जाएगा ना उसके ऊपर, तो कूलेंट भी चेक करो अगर मतलब उसका लेवल कितना चाहिए वो मुझे बता दिए, उससे अगर कम होगा ना तो टॉपअप करना पड़ेगा, अभी कूलेंट वगैरह तो सब अपने पास है तो देखते अगर कम रहेगा तो टॉपअप करते हैं। कूलेंट जो है ना इसका वो राइट साइड में दिया है, ये देखो कूलेंट का लेवल तो वही है जितना उन्होंने बताया था उतना ही है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं, ये लग गया इसको फिर से ऐसा लगा हो गया। यहाँ से शिवपुरी 40 किलोमीटर है, एक आधा पौना घंटा में हो जाएगा वो भी कवर, और ये देख लो जी वहाँ पे सनसेट होने आया है, और ये देखो ग्रीनरी देख लो क्या बात है, बहुत टाइम के बाद ऐसा कुछ दिखा यार, नहीं तो सब सूखा सूखा ही दिख रहा है। अरे मेरे भाई
मेरे दोस्त, क्या बोल रहा हूँ छोटे भाई, कैसे हो? बड़े भाई बस बढ़िया। कैसा रहा राइड, कैसा रहा? एक नंबर, मजा आ गया पूरा रास्ते यार। अरे आप आगे तो और मजा आएगा यार, देखते रहो बस, बहुत मचाना अपने को। यहाँ से शिवपुरी है ना कुछ 8 किलोमीटर है, तो अभी सबसे पहले जाते हैं होटल देखते। चलो होटल उदय विलास, यहाँ पे देख के तो ऐसा लग रहा है कि 2000 के ऊपर ही रूम होगा, पर फिर भी देख लेते पूछ के एक बार। भैया कैसा रूम है, नॉन एसी रूम कैसा है? अंदर ओके, रिसेप्शन पे बात कर लेते हैं कितना है। सर जी नॉन एसी रूम कैसा, नॉन एसी 1000 रूम देख लेते हैं, 1000 प्राइस बोला है, रूम तो सही होगा देख के तो लग रहा है सब। बाहर से ही हम पहचान लेते अंदर क्या, ओ हो सही है, काम भारी है। क्या बोलते बोले, यो यो सब सही है। मुझे पहले से आदत है जब भी मैं कोई भी रूम में जाता हूँ ना सबसे पहले बाथरूम देखता हूँ, बाथरूम सही रहेगा तो सब सही है। कोई कोई जगह पे क्या होता है ना रूम बहुत अच्छा होता है बाथरूम बहुत गंदा होता है, अपने को बाथरूम अच्छा चाहिए। बगीरा को पार्क कर दिया है, अभी सीधा मिलेंगे कल सुबह 6 या 7 बजे। सुबह 11 बजे निकला था मैं देवास से, अभी 6:30 हो रहे, 342 किलोमीटर का राइड हो गया है अभी। कब मिले थे लास्ट टाइम, केदारनाथ से आने के टाइम पे ना, 2 महीने करीब। हाँ पहचाना इनको, ये अजमेर वाले रोहन भाई, जब भी मैं अजमेर जाता हूँ वो टाइम पे इनके घर पे रुकता हूँ। जैन में क्या हो गया ना, मेरा नेपाल का प्लान तो बन गया था, मैं बस वही सब देख रहा था रूट वगैरह, तो इन्होंने मुझे मैसेज किया कि भाई एक काम करते नेक्स्ट मंथ नेपाल जाते। मैं बोला मेरा तो नेपाल का ही प्लान है, तो बोलते ठीक है, तो दोनों का वही नेपाल था, तो हम अभी निकल पड़े। मजा आ गया आज का राइड, कैसा था? एक नंबर मजा आ गया। अभी आगे तो और मजा आएगा, हम दोनों अभी मस्त हो गया राइड आज का, मैंने सोचा नहीं था कि इतना होगा। मुझे ऐसा लगा था कि आप मतलब आपको आने के लिए 4-5 वगैरह ऐसा बच जाएंगे, ज्यादा टाइम हो जाएगा, फिर आपको गुना में रुकना पड़ेगा, पर ये तो हम गुना से 100 किलोमीटर आगे आ गया। अभी चलो एक अच्छा है कि 100 किलोमीटर और आगे आ गया ना, तो उतना किलोमीटर अभी थोड़ा कम हो गया अपना नेपाल बॉर्डर के लिए। 2 दिन से ना जल्दी जल्दी होटल में आ रहा हूँ, अभी आज भी जल्दी आ गया हूँ, अभी फटफट फ्रेश हो जाएंगे, वही क्या हर दिन वही रिपीट होते रहता है राइड के टाइम पे, फ्रेश हो जाएंगे फिर एडिटिंग करेंगे, एडिट करके होगा तो फिर सो जाएंगे, फिर सुबह उठेंगे राइड करेंगे, ऐसा ही चलते रहेगा। आपको भी क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, और कमेंट में ये बताना कि ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा। पर्स के बारे में आपको बताया था कि इसका कहानी बताऊँगा, देवास से जब मैं निकला ना उसके आगे ये पर्स मुझे लेफ्ट साइड में पड़ा हुआ मिला, अब ये मैंने मेरे पास रख के लिया, और पास में जिधर भी कुरियर वाला हो उससे जो उनका आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वो एड्रेस पे मैं कुरियर कर दूंगा। पर हाँ कुरियर कर दूंगा, कुरियर का जो पैसा लगेगा वो उनका जो पैसा है उसी चार्ज भरूंगा और कुरियर भेजूंगा मैं, 1 रुपये मैं नहीं लूंगा। पर देखा हेलो राजेंद्र चौहान सर जी, अरुण कुमार पेंटर जो है ना उनका नंबर चाहिए था जरा। किनका? अरुण कुमार, अरुण कुमार करके है ना पेंटर, पेंटर अरुण कुमार, जरा देख लो ना प्लीज, थोड़ा अर्जेंट। अरुण कुमार नाम से नहीं, थोड़ा अर्जेंट है बोला। हाँ राइट 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 राइट, आप भी कैसा बोला आपने, सही बात बोला। आप कौन उनके? ओके एक काम करो ना सर, उनका नंबर मुझे दे देना प्लीज। मैं उनका नंबर तो नहीं है भैया मेरे पास, उनका जो भानेज है उनका नंबर मैं आपको दे देता हूँ। अंकल को ढूंढ लिया हमने, अंकल ने एक चिट्ठी में बस लिखा है सब, मतलब दूध लाना ये लाना है, पर एक नंबर एक लिखा हुआ था, अच्छा हो गया तो उनको अभी हमने कॉल किया था। बाबा बैरर चेक 1,60,000 का बाबा, हाँ ना यार मेरा गाड़ी का उतना प्राइस था क्या वो उनके, वो सीधी बात है यार, अपना यार 2000 रुपये में किधर घूम जाए तो हम कितना टेंशन में आते हैं, उनका चेक है 2000 रुपये, चलो 2000 रुपये का तो वो कुछ फिकर भी नहीं कर देंगे, पर उनको चेक हो गया, लाइसेंस हो गया, दो दो ATM कार्ड है, उनका वाइफ का आधार कार्ड है, उनका आधार कार्ड है, इतना सब कुछ है। तो चलो ठीक है उनके साथ बात कर दे। हेलो हेलो अरुण कुमार जी बात कर रहे हैं? हाँ जी।
आपका पर्स मेरे पास है जी। हाँ तो मैं अभी शिवपुरी में हूँ। शिवपुरी में हो? हाँ एक्चुअली क्या हो गया ना, मैं एक राइडर हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ, मैं राइड करता हूँ ना, वो बाइक पे रहते ना राइड करते लंबा लंबा, मैं वो हूँ। तो मुझे रास्ते में मिला था तो मैंने ले लिया था। हाँ तो मैंने इतना सब कुछ चेक नहीं किया, अभी सब चेक किया तो कुछ था ही नहीं, एक नंबर इनका मुझे दिखा लास्ट में, इसके लिए मैंने फ़ोन कर दिया। अभी मैं यहाँ से आपके घर पे कुरियर करता हूँ। अच्छी बात। हाँ उसमें आपका 1,60,000 का चेक चेक भी है। हाँ चेक रखा हुआ। हाँ चेक है उसमें रखा हुआ आपका, 2,000 रुपये है, 100 रुपये है, 50 रुपये है, आपके आपके वाइफ का भी आधार कार्ड है। हाँ बराबर, लाइसेंस है, आधार कार्ड है, सब आपको दे दूंगा। हाँ दोनों का है मुझे पता है। आपका पैसा किधर भी नहीं जाएगा, 1 रुपया भी किधर नहीं जाएगा, मैं भी भेज रहा हूँ। हाँ कुरियर करके आपके घर पे। हाँ जी। ओके। तो एड्रेस आपके पास है? नहीं, आधार कार्ड जो है ना उसके पीछे एड्रेस है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हाँ तो वो एड्रेस पे मैं आपको सेंड कर देता हूँ। हाँ जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। इंसानियत बचनी चाहिए इस दुनिया में बस। हाँ ये बात तो है सर। हाँ क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? हेलो, रोना मत यार, आपका आवाज से पता चल रहा है मुझे। नहीं ऐसा देखो, ऐसा मगर ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपके बेटे की उम्र का हूँ, आपका एज जो है ना वो बहुत ज्यादा है, मैं आपके बेटे की उम्र का हूँ, एक बेटा ही ऐसा दे रहा है समझो, रोने की कोई बात नहीं है। हाँ नहीं, कोई नहीं कोई नहीं, चलो मैं काम करता हूँ, मैं कुरियर करने के बाद है ना आपको एक बार फोन करता हूँ, कोई टेंशन लेना नहीं, बिंदास। ओके ओके, बाय बाय। वो रो रहे थे यार, मुझे इतना बुरा लगा ना भाइयों। मैं आपको भी यही कहूंगा, कभी भी ऐसा किसी का गिर जा रहा है, उसमें पैसा हो ज्यादा कितना भी हो, सामने वाले इंसान को दे दीजिएगा, क्या करना है अपने को, ऊपर वाला देख रहा है इसका फल अपने को मिलेगा, बस ये समझ के रिटर्न कर देने का सब कुछ। पर्स को मैंने एक बॉक्स में रख दिया, अभी ये गैरेज का शॉप था उनसे ही लिया है, बैटरी वाला एक। अभी इसको क्या करेंगे ना, पेपर में पूरा सा रैप करके हाँ सेलोटेप लगा देंगे। तो फाइनली कुरियर कर दिया है, अभी कुरियर वाले ने मुझे शूट करने नहीं दिया है, वो ऐसा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो बोल रहा नहीं हमारे कैमरे लगे हुए हैं, ऐसा वैसा अलाउड नहीं है, नहीं वो नहीं। तो मैंने ठीक है जान दो, तो ये बिल उन्होंने दिया है, और अरुण जी से भी मेरा बात हुआ है, उनको बता दिया है कि आपका पर जो है वो दे दिया गया है। 2 दिन से है ना जल्दी जल्दी होटल में आ रहा हूँ, अभी आज भी जल्दी आ गया हूँ, अभी फटफट फ्रेश हो जाएंगे, वही क्या हर दिन वही रिपीट होते रहता है, राइट के टाइम पे फ्रेश हो जाएंगे, फिर एडिटिंग करेंगे, एडिट करके हो गया तो फिर सो जाएंगे, फिर सुबह उठेंगे राइट करेंगे, ऐसा ही चलते रहेगा। आपको भी क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, और कमेंट में ये बताना कि ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा। अभी आपको ये वाला वीडियो सच में अच्छा लगा हो ना तो इसको शेयर भी कर देना यार, जरूर करना, और इंस्टा पे अगर मुझे फॉलो नहीं करते तो इंस्टा पे फॉलो करना, ये जो सामने आ रहा हूँ मेरा इंस्टा, तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर।